छत्तीसगढ़ में नए कानून के तहत दो FIR दर्ज हुए हैं। पहली FIR कबीरधाम और दूसरी FIR रायपुर में दर्ज हुई है। पहली FIR कबीरधाम जिला में रविवार सोमवार की रात 1 जुलाई 2024 की घटना पर कबीरधाम के थाना रिंगाखार ने कार्रवाई करते हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया। नए कानून के लागू होने के कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला कबीरधाम में मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर कबीरधाम पुलिस ने पीड़ित को तत्काल राहत देने के लिए कार्रवाई करते हुए पहला FIR दर्ज किया। थाना रिंगाखार जिला कबीरधाम में नए कानून BNS के तहत देश का यह पहला FIR दर्ज होना भारत के नए कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाकर नए कानूनों की मूल भावना के क्रियान्वयन की शुरुआत का प्रतीक है। दरअसल पीड़ित इतवारी पंचेश्वर निवासी मोहन टोला थाना रिंगाखार जिला कबीरधाम के द्वारा पुलिस को लिखित सूचना थाने में दर्ज कराई। शिकायत में बताया कि आरोपी गोलू ठाकरे रेंगाखार निवासी ने पीड़ित के ट्रैक्टर का कागजात अपने पास रखते हुए पीड़ित के साथ मारपीट व गाली गलौज की। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना रिंगाखार द्वारा रविवार की रात 12:30 बजे आरोपी के खिलाफ BNS की धारा के तहत FIR दर्ज किया। वहीं दूसरी FIR रायपुर में दर्ज हुआ। रायपुर के थाना मंदिर हसौद में नए आपराधिक कानून के तहत पीड़ित नोहर दास रात्रे ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि अमित सिंह राजपूत ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को गंभीरता से लिया गया और भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत अपराध दर्ज किया गया। इससे पहले ऐसे ही मामले में धारा 294-506 IPC के तहत दर्ज होता था। ब्यूरो रिपोर्ट NPG न्यूज़।